जब 2017 में मैंने जूनागढ़ में अपने गुरु जी की शिविर अटेंड की, मैं और कश्यप भाई यहाँ से अलग अलग से यहाँ से गए थे, लेकिन वहाँ जाके इकट्ठे हुए थे। हमको पता नहीं एक ही तहसील से हम दोनों वहाँ है, वो बस से गए थे, मैं कार से गया था। हम 2017 में वहाँ इकट्ठे हुए, वहाँ शिविर देखा, वहाँ किसानों ने जो केला किया था, वैसे किसान थे, कपास वाले थे, सब किसानों से मिले। फिर ऐसे ऐसे दो तीन शिविर किया, दो बाद में वहाँ पे जो किसान कर रहे थे उनका रिजल्ट भी देखा हमने, वहाँ जाके किसानी भी देखी। फिर 2019 में हमने ऐसे तो YouTube से चालू कर दिया था मैंने किसानी, क्योंकि YouTube से ही जुड़े थे हम पहले, तो ऐसे ही चालू कर दिया था। 2019 में पहली जो यहाँ पे गुजरात में शिविर हुई, तब वर्तल अपना वर्तल में ही मैंने आपसे और अपना कश्यप जी ने एक साथ में ही हमने शिविर अटेंड किया था। तो तब से समझिए कि पहले ही साल में आप सोच नहीं पाओगे, जो मेरे वहाँ किले निकालने के लिए मजदूर आए थे उस टाइम पे, तो हुआ था ऐसा कि गुरुजी बाजू के रंजीत नगर गांव है, वहाँ के मजदूर थे वो लोग, तो केले के बंच को वो काट के ला रहे थे। मेरे को पता नहीं को काट के ला रहे हैं अंदर से। तो पहले दिन तो गाड़ी उन्होंने भर ली, दूसरे दिन जब उसको दूसरी बार वो गाड़ी आई, दूसरे दिन माल था थोड़ा होलसेल में होता है, तो दो गाड़ी भरनी थी, एक साथ निकल रहा था। तो हुआ ऐसा कि दूसरे दिन वही लेबर को बुलाने गया, तो उसको जो मेन था वो जो कारीगर उसको फोन किया, तो भाई ये लोग अभी नहीं आएंगे। फिर उसको बोला भाई गाड़ी आ गई है, माल भरना है। तो वो व्यापारी को बोला भाई वो वजन के लिए वो ना बोलता है, लंबा पड़ता है, वजन बहुत है, तो आधा करके वो थक गए, अब नहीं आएंगे। ऐसे ही ये पहली साल में चमत्कार हुआ। फिर हमने धीरे धीरे करके पहले दो बीघा में एक एकड़ में किया, फिर दो एकड़ बढ़ाते गए, ऐसे ऐसे करके पूरी जमीन में अभी अपने सुभाष पालेकर कृषि जो है अपनी वही विधि से कर रहे, और लगातार अपने को उत्पादन मिलता गया। पहले मैं अकेला था, लेबर से करवा रहा था। मिस्टर धर्मेश पटेल जी टोल्ड दैट ही वाज प्रैक्टिसिंग केमिकल फार्मिंग इन बनाना प्लांटेशन एट अ टाइम इन केमिकल वाणी ही वाज गेटिंग 16 टू 20 केजी बंच वेट ऑन एवरेज। But then afterward, when he saw that there is a great exploitation and cost of production is high and production is reducing, so he changed and he started organic farming. But in organic farm also he become failed. Then he listened my workshop. After listening the workshop, he visited some models. He started Subhash Palekar Krishi in banana plantation. And he got miracle result. In the first year, he got double bunch weight. The harvester labor was coming to harvest his bunch. In the first day, they loaded one truck. Next day, he called them. They said, no. Bunch is too much high, it is not easy to cut down and to transport. So they refused. That means in chemical farming he was getting only 16 to 20 kgs per bunch weight on average. Now he is getting, we have seen, 30 to 45 kg, double production. In chemical farming production cost is raised too much high. In organic farming, cost of production is become double, triple than inorganic farming because input cost is too much higher. But in Subhash Palekar Krishi, nothing to be purchased on the market. No fertilizer, no insecticide, nothing, only labor cost. That means cost of production is minimized up to the zero, if family members are working there, up to zero. And he is getting double production and rate. तो ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ते गए, और जो भी ज़्यादा ढाई ढाई बीघा करके पूरा फ्लॉक हमने फिर SPK में कन्वर्ट कर दिया। पहले ये जो देखा ना आपने केला, वो सब में तमाकू ही होती थी,
अब आपको तम्बाकू खाली एक बार में दिखा है, सब में केला दिखा और अपना सब्जी देखी, आलू देखा, तो ऐसे कन्वर्ट किया। और सभी पहले जो बोलते थे ना कि जो शुरुआत किया ना, तो शुरुआत में गुरुजी क्या वो जो ये जो खेती करा, तो अरस परस और नज़दीक के जो है उनको ये रास नहीं आता था, क्योंकि तो उनको जंगली जैसा पहले दिखा। तो ये भी बोले थे कि ये सब बेच देगा, ये कुछ नहीं रहने देगा। तो अभी ये सबको बुलाता हूँ, सब आते हैं, देखते हैं, अब बोलते हैं सब, क्योंकि अब तो ये क्या मेरी भूमि की जो कलर है ना वो बदल गया है। मैं अकेला नहीं बोलता, मेरी भूमि बोलती है। और दूसरी ये बात कि मेरे यहाँ जब मैं अकेला था तब लेबर को मेरे को सिखवाना पड़ता था, वो बरजबरी भी करवाना पड़ता था। अब यहाँ पे लेबर है मेरे पास, तो मैं अगर नहीं होता हूँ, अभी ये मीटिंग होती है तो सब जगह जाना पड़ता है, तो ये लेबर ही सब कुछ बता देता है, सबको बता देता है। जो भी किसान नया आता है ना तो वही समझा देता है, मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे ऐसे सब कंप्लीट किया है। और अभी ये जो देख रहे हैं ना कि पहले जो हमने बंशी साते थे, बीच में आपको बोला कि किसान जो मजदूर थे वो नहीं आए, तो उस टाइम पे वो वजन आया था पहले ही साल के अंदर, उसका 42 प्लस वजन था मेरा एवरेज। और उसका उस गाड़ी का वजन का काटा भी है मेरे पास, मैं हर साल का वो चिट्ठा रखता हूँ। ये सब तो ये सब साथ में रखना पड़ता है। कोई बोलते हैं भाई ये क्या हुआ कैसे हुआ, तो सबको बता देते हैं भाई ऐसा करते हैं हम। अब ये आपके सामने है। और ये जो विलियम्स का बोला कि ये विलियम्स जो अभी आपने तीसरा जो उत्पादन है, तो उसमें गई साल गुरुजी जो व्यापारी था यहाँ ओड़ का, जहाँ पे केले का पूरा मार्केट बनता है, तो बोला था विलियम्स में, मैंने नहीं बोला कि वो कि भाई विलियम्स में रटून नहीं लिया जाता, तो उसने रटून का भी बोला था और ये भी बोला था कि अब के बार केले मत रहने देना, केला नहीं आएगा। तो अभी ये जो मैंने बताया कि 480 में केला कटिंग का दे दिया है, कल कटिंग होगा, वो कल आके मैं भले ही आपके साथ हूँ पर केला मेरा कटिंग होगा, 100 मन कटेगा तो 48,000 का होगा वो केला। तो समझिए कि वो केला वो दो दिन पहले आया था वो देखने के लिए, तो उन्हें बोला वो पूरी बाड़ी देखा, वो जायजा किया, और व्यापारी होता है उसको पता ही चल जाता है, वो जायजा तो इतना तो कर ही लेता है कि कितना निकलेगा माल, तो बता के गया मोटा मोटा, वो लेबर को ही बता के गया था और 9 लाख के करीब बता के गया। कितना बता के गया? 9 लाख। तो वो उसको बता के गया था 9 लाख रुपए। हाँ, वो कितने कितने के लेगा? ये अभी ये 4 बीघा 4.25 बीघा है, उसमें से डेढ़ एकड़ का। हाँ, लगभग 9 लाख रुपए। हाँ, वो इतना निकलेगा माल, वो बोल के गया ये। अच्छा, 9 लाख मिलेगा आपको? हाँ, वो बोल के गया ये भाव रहा तो आपको मिलेगा। तो इनकम टैक्स वाले आएंगे ना, क्यों बता दिया खुले आम? खुले आम नहीं बताना है। तो देखिए 480 रुपए मन, माने 20 किलो का मन 2400 रुपए क्विंटल, 24,000 रुपए टन। एक एकड़ में कितना टन होता है? एक एकड़ में समझिए ना 700 मन, 700 मन के करीब होता है, 700 मन के ऊपर होता है। अभी 5.5-9 फीट लगा है तो थोड़ा कम हो जाता है, ये अपने रटून में काम ज्यादा होता है, रटून के लिए बढ़ा दिया मैंने। तो अभी वो बोले 9 लाख रुपए का वो डेढ़ एकड़ का केला जाएगा। वो आज वो साथ में ही था, वो जो व्यापारी था ना वो साथ में ही था। अब मुझे बताइए, यहाँ आपको जीवामृत देना है, जीवामृत का छिड़काव करना है, खरपतवार तो वैसी है, देखा है ना आपने, निकालेगा नहीं, ऐसी है, क्या खर्चा है मुझे बताइए। और जीवामृत देने की अगर आप स्वयंचलित व्यवस्था खड़ी करते एटोमाइज, तो आप अमेरिका में होंगे ना, वहां से आप बटन दबाकर यहाँ सिंचाई कर सकते हो, जीवामृत दे सकते हो एटोमेटिक, कोई चिंता नहीं, सैटेलाइट सर्विस लेकर। अने लेबर कॉस्ट छोड़कर हमें उत्पादन लागत का मूल्य बहुत कम है, लेकिन उत्पादन दुगुना मिल रहा है। अब 480 रुपए जब वो आपको रेट दे रहा है एक मन के 20 किलो के, रासायनिक लोगों को क्या रेट दे रहा है?
वो अभी तो होलसेल पे यही रहता है, पर माल है ही नहीं ना, रासायनिक वाला भी नहीं है अभी। अभी देखिए मिडल ईस्ट में और यूरोप में महाराष्ट्र से बहुत ज्यादा कंटेनर के लेके जा रहे हैं जलगांव खंडे से, क्योंकि पूरी दुनिया में अब केले की कमी है क्लाइमेट चेंज के माध्यम से। यूरोप में कभी भी 28 अंश के ऊपर कभी तापमान नहीं जाता था, रिकॉर्ड नहीं है। 3 साल से 40 to 42 डिग्री सेंटीग्रेड लू चलती है, लोग मर रहे हैं यूरोप अमेरिका में। तो केले की खेती बहुत संकट में आई है। जो वेस्ट इंडीज में ये आइलैंड है वहां केला बहुत ज्यादा होता है, कैरिबियन जो प्रदेश है वहां केला ज्यादा होता है, साउथ ईस्ट एशिया में केला ज्यादा होता है, वहां भी यही हाल है। यहां सारे केले की खेती है। मई महीने में आइए आप, मई महीने में टेम्परेचर रहेगा 45 to 46 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सारे केले रासायनिक वाले पीले पड़ जाएंगे, फट जाएंगे और क्या हो गए सूख जाएंगे, हमारा केला हरा भरा होगा। यानी जो प्राकृतिक आपदा है क्लाइमेट चेंज और जलवायु परिवर्तन, इनको ताकत से लड़ने की क्षमता हमारे पौधों में आती है, ये क्षमता रासायनिक में नहीं है। अब ये इन्होंने 480 में क्या किया, व्यापारी को दिया, अगर व्यापारी को नहीं देते, कच्चे केले की पाउडर बनाना है, क्या करना है पाउडर, कच्चा केला उसके स्लाइस बनाना है, सुखाना है धूप में, उसकी पाउडर बनाना है, और उस पाउडर का शीरा खाइए आप, कुछ नहीं खाओगे वही शीरा खाओगे, उस पाउडर की रोटी, उस पाउडर के गुलाब जाम, उस पाउडर का सब कुछ बनता है, सब कुछ बनता है, और ऊंचे दामों में ये कर रहे हैं, पाउडर बेच रहे, यहां रखा जाएगा पाउडर। दूसरी बात चिप्स, आप कहीं भी दुकान में जाइए, केले के और आलू के चिप्स होते हैं, होते हैं ना, कहां से आते हैं, कहां से, कंपनियों से आते हैं, है ना, हमारे घर में चिप्स बना सकते हैं, बना रहे हो, बना रहे घर में चिप्स। यानी अगर आप 100 रुपए मार्केट में बेचकर अगर आपको 100 रुपए मिल रहे हैं, आपके घर में अगर प्रक्रिया करते हैं प्रोसेसिंग करते हैं तो 100 के 500 रुपए मिलते हैं। मैं उदाहरण दूंगा आपको, अभी महाराष्ट्र में टमाटर फेंक दे रहे लोग, कोई कीमत नहीं है, 2.5 रुपए में ये जो उद्योग वाला है खरीदता है, अपने कारखाने में ले जाता है, उसका केचप बनाता है, स्वाद बनाता है, चटनी बनाता है, अचार बनाता है, 120 रुपए किलो में बेचता है, कितना, किसान को 2.5 रुपए में जो बेचता है तो 20 रुपया उसका लागत का मूल्य है, कितना है, 1 किलो का, घाटा ही घाटा है, लेकिन वो कितना कमा रहा है, कारखानदार 110 कमा रहा है, 115 रुपए कमा रहा है। शादी है ये, चटनी बनाना, केचप बनाना, स्वाद बनाना, अचार बनाना बिल्कुल सिंपल मेथड है, उसका भी क्लास लेने वाले हम आगे, ये किताब भी उसके प्रोसेसिंग देने वाला हूँ मैं, हर भाषा पाउडर भी बनाता है बनाइए। तो केले का सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, कच्चा माल कभी भी मार्केट में नहीं बेचना है, पक्का कर का ही बेचना है, ख्याल में। इसलिए केला एक ऐसा फसल है, ये पाउडर है, ये केले की पाउडर है, ये केले का पाउडर का शीरा, आगे ये पाउडर है, कल हमने शीरा खाया इसको, बहुत बढ़िया। बर्फी आज खाएंगे आप, बर्फी उसमें
घी नहीं है, बर्फी में घी नहीं है, कच्ची घानी का मूंगफली का तेल है। काय काय है? कच्ची घानी का। और हमारा गुड़ है प्राकृतिक एसपीके का, उसमें थोड़ी चीनी मिलाकर वो उसका क्या बना है, बर्फी। आप देखिए कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। आप में से कौन कौन शाकाहारी है, हाथ ऊपर करिए। आप सब झूठ बोलते हैं। हम आपको सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे क्योंकि आप शाकाहारी नहीं है। शाका माने वनस्पति जन्य आहार, शाक माने सब्जी। वनस्पति को, पेड़ पौधों को पत्ते लगते हैं, फूल लगते हैं, फलियां लगती हैं, फल लगते हैं, कंद मूली अनाज दाने हमारा शाकाहार है। ईश्वर ने मानव को शाकाहारी रूप में भेजा है। अब पूरी दुनिया को खुला चैलेंज है सुभाष पालेकर का, सिद्ध करे मानव मांसाहारी है, सिद्ध करे। अब शाका माने वनस्पति जन्य आहार, इसका अर्थ है पेड़ पौधों पर जो लगते हैं वो हमारा। दूध कहाँ लगता है? दूध के पेड़ देखे आपने? घी के पेड़ देखे? कहाँ लगता है? गो माता देते, भैंस देते। गो माता पेड़ नहीं है, भैंस पेड़ नहीं है, कौन है? प्राणी है। इसका मतलब है घी दूध प्राणी जन्य आ रहे, घी दूध क्या है? प्राणी जन्य आ रहे, शाकाहार। इसका मतलब है जो दूध पीते है वो नास्तिक है, पाखंडी है, क्योंकि वो शाकाहार। यहां बैठे हुए छोड़कर क्या कर रहे हम आध्यात्म के नाम पर, क्या फायदा ले? देखिए ईश्वर की व्यवस्था में, ईश्वर की व्यवस्था में दूध पर अधिकार बछड़े का है, मानव का नहीं। मानव छोड़कर कोई भी प्राणी अपने सगी मां का दूध छोड़कर किसी प्राणी का दूध पीता नहीं। पीता है क्या? दिखाओ, है क्या? नहीं पीता। ईश्वर के कानून सबके लिए समान है, मालूम क्या लगा है क्या? नहीं। इसका मतलब है ईश्वर ने खुद बताया है कि दूध पर बछड़े का अधिकार है, मानव का। दूध पीना शाकाहार नहीं है। जो शाकाहारी नहीं है उनको अनुरोध है दूध में नहाओ, केवल दूध पियो, घी खाओ, हमारा कोई मना ही नहीं है। लेकिन शाकाहारी मत कहो, आपको अधिकार अधिकार भगवान से छल कपट कहां? अध्यात्म है, कहां अध्यात्म है? भगवान के नियम है, पालन करना है। मैं भी दूध पीता था, मैं भी घी खाता था, घर में सब देशी गौ माता का घी चलता था। जब मैंने चिंतन किया, मंथन किया कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या ये गलत है कि सही है, शाकाहार की परिभाषा क्या है? अगर दूध शाकाहार है तो फिर क्यों रहा है? 5 साल से मैं दूध नहीं पीता, घी नहीं खाता, 10 घंटे बोलता हूं, 10-10 दिन किसी भी जरूरत है, कोई थकावट नहीं है, ये कहां से ऊर्जा आ गई? बोलते हैं खेत बेचो लेकिन घी खाओ, क्यों? घी में क्या है? ताकत है। हाथी किसने देखा है? हाथी, हाथी किसने देखा है? हाथी बलवान प्राणी है, बलशाली है, अमोघ बाहुबल है। मन में आया एक वृक्ष उखाड़ सकता है, इतना बाहुबल है, शुद्ध शाकाहारी है। कौन सी गौशाला का घी खाता है? क्यों बलवान है? क्यों बलवान है? क्या खाता है? घास खाता है, पत्ते खाता है। इसका मतलब है पत्ते में ही बल है, ताकत। घी में नहीं, घी में नहीं है। 3,000 रुपए किलो का घी कौन सा मजदूर खा सकता है? अरे क्लास 3 अधिकारी भी नहीं खा सकता। 10 बार सोचता है, किसके लिए काम करे हो आप, किसके लिए काम करे हो? गरीब बेचारा, दूध नहीं मिलता, बच्चे भूखे रहते हैं,
जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। इसका अर्थ है कि हमें अगर हम शाकाहारी है तो शाकाहारी करना है। शाकाहार में जो भी हम फसल लेते हैं मंडी में बेचना, क्या करना है उसका प्रोसेसिंग करना। आप इसकी जो स्वाद है तो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, ये घर में तैयार किया हुआ है, 100% गारंटी है, 100%। बाजार में जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आ रहा है सर्टिफाइड है। इनके खेत कहाँ है ऑर्गेनिक वालों के, बताओ कहाँ है ऑर्गेनिक वाले खेत? मंगल पर है, ये भी दिखाने के लिए तैयार नहीं, ये भी दिखाने के लिए तैयार नहीं है, सब फ्रॉड है, कोई गारंटी नहीं है। मंडी में बीज आता है ना, सर्टिफाइड बीज आता है ना, सर्टिफाइड बीज आता है, सर्टिफाइड होने के बाद आता है, उसकी जांच होती है, तो बीज कंपनी के दुकान में पुलिस की रेट क्यों पड़ती है? बीज अंकुरित नहीं होता है, सर्टिफाइड है ना, तो बोगस बीज के नाम से पेपर में आप क्यों न्यूज पढ़ते हो? इसका मतलब है किसी को भरोसा नहीं करना, किसी पे भरोसा नहीं करना है, हमारा है वो शुद्ध है। इसलिए केला पाउडर बनाना है, पाउडर से बहुत सारे पदार्थ बनते हैं, चिप्स बनते हैं, पाउडर से रोटी बनती है, 44 प्रकार के पदार्थ बनते हैं केले से। नंबर एक, ये मेरा कुर्ता देख रहे हो, ये शुद्ध खादी का है, इसमें क्या क्या है, इसमें देशी कपास का धागा है, क्या है देशी कपास का, अलसी मालूम है, लिनसिड क्या बोलते हैं, उसके तने का धागा है और केले का तने का धागा है, मिलकर बना है, ये कोई फैक्ट्री में नहीं बनता, ये फैक्ट्री में बना, मगन संग्रहालय समिति वर्धा में बना है, सुभाष पालेकर कुशी में पैदा देशी कपास, उसका धागा निकालने वाली माता बहन वो काम कर रही, हाथों में काम मिल गया उसका, सूत कताई मानो, धागा मानो, बुनाई मानो, रंगाई मानो, और बुनाई सिलाई मानो, सब मानो के हाथ में काम चल रहा। ये रोबोट आया और बर्बाद करेगा, ये रोबोट ख्याल में कोई काम नहीं रहे। इसीलिए मैं ज्यादा आपका समय नहीं लेना चाहता, मुझे मालूम है आपका ख्याल उधर है और मैं आपको रुकावट बन रहा हूं। हाँ, तो पहले आदेश है कि यहाँ जो खाना बना है केवल महिलाओं के लिए बना है, ऐसा बोल रहे हैं, तो हमारे लिए खाना नहीं है ऐसा लग रहा है, महिला हंस रही है, हम रो रहे हैं, तो ये महिला हमारे पास सूट ले रही है अभी, कि घर में क्या करते हैं बाद में खाती है ना, पहले हमको खाना है, तो महिला आप जाइए, आपके होने के बाद हम खाएंगे, सब बहने जाइए, छोटे हो बच्चों बड़े हो सब जाइए, सब बहने चली जाइए खाना खाने के लिए, सब जाइए।